डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी मच गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड द यूनिट सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इन विच वी हैव कंप्लीटेड द मीनिंग ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड देन सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली आप पिछली वीडियो से बिजनेस फाइनेंस के बारे में समझ चुके होंगे कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, इसकी नेचर क्या होती है और इसकी इम्पोर्टेंस, एक बिजनेस के लिए फाइनेंस की क्या इम्पोर्टेंस है. आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस है वो कितनी तरह का होता है और उसके मीनिंग क्या हैं और उसके फीचर क्या हैं. फॉर एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस देर आर टू सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आई फोकस ऑन दैट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ओनर्स फंड, सेकेंड इज बोरोड फंड. तो वन बाय वन हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे कि ओनर्स फंड क्या होता है और बोरोड फंड क्या होता है. लेट अस टॉक अबाउट वन इज ओनर फंड. द फर्स्ट इज ओनर्स फंड्स. इट रेफर्स टू दैट फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एज वेल एज द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. दिस फंड रिमेन्स विद द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स एक्सेट्रा. I repeat, it refers to that fund contributed by owners as well as the accumulated profits of the company. This fund remains with the company. For example, equity share, retained earning, etc. आप लोगों ने accounts में भी पढ़ा होगा कि owner fund basically वो fund होता है जो business का owner एक किसी भी business को चलाने के लिए, किसी भी business को start करने के लिए business के अंदर invest करता है. एक्चुअली जो पैसा एक बिजनेस के अंदर बिजनेस का ओनर इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर्स फंड बोलते हैं. ओनर्स फंड के अंदर हम लोग दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं. बेसिकली मेन जो दो चीज़ें होती हैं वो हमारी होती हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकंड होती है रिटेन्ड अर्निंग. लेट अस टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ ओनर्स फंड. द फर्स्ट फीचर इज द सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल. डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ओनर्स फंड की बात करें तो ओनर्स फंड जो है, ओनर्स का जो पैसा है बिजनेस के अंदर वो एक परमानेंट कैपिटल है. मीन टू से जब तक बिजनेस चलता है तब तक ओनर्स का पैसा बिजनेस के अंदर लगा ही रहता है. नॉर्मली नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर एक ओनर अपने बिजनेस में से पैसा नहीं निकालता, राइट. और या आप ये कह सकते हैं कि जो ओनर्स का फंड है, जो ये पैसा है बिजनेस को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इसको वापस करना कोई कंपलसरी नहीं है. और एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है ओनर फंड्स का, जितना ही पैसा एक बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बेसिकली बिजनेस की फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने के लिए ही यूज़ कर दिया जाता है. तो अल्टीमेटली अगर हम कहें तो जो ओनर्स का फंड है वो एक परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल है. और ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ए बिजनेस ओनर का फंड, ओनर का पैसा बिजनेस के अंदर परमानेंटली लगा ही रहता है. दूसरे पॉइंट की बात करें, प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल. अगर हम ओनर्स फंड की बात करें तो ओनर फंड को एक और भी नाम दिया जा सकता है, वो है रिस्क कैपिटल. रिस्क कैपिटल कैसे है, रिस्क कैपिटल का, इसको हमने ओनर्स फंड को रिस्क कैपिटल कहने का सबसे बड़ा कारण एक है कि बिजनेस को इस कैपिटल के ऊपर किसी भी तरह का इंटरेस्ट या डिविडेंड इंटरेस्ट पे करने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मतलब बिजनेस को कोई कंपल्शन नहीं है कि वो इस फंड के ऊपर, इस फाइनेंस के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा ही करेगा. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. अगर बिजनेस के अंदर, अगर हम ये कहें कि बिजनेस में बड़ा ही स्लंप चल रहा है, बड़ा ही मंदी का टाइम चल रहा है और बिजनेस उसके ऊपर रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो देर इज़ नो प्रॉब्लम. द ओनर ऑफ द बिजनेस कैन नॉट क्लेम द इंटरेस्ट अपॉन दिस अमाउंट ऑफ मनी. इनफैक्ट अगर बिजनेस डूब भी जाता है या बिजनेस का नुकसान हो जाता है और ओनर फंड्स
ओनर फंड का भी नुकसान हो जाता है, तो बिजनेस उस पैसे को रिटर्न करने के लिए, बिजनेस के मालिक को, ओनर को वापस करने के लिए भी लायबल नहीं है। लेकिन ये तो हमने एक नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करी, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये भी है कि जब अगर बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, बिजनेस बड़ा ब्राइट चल रहा है, सिचुएशन बड़ी ब्राइट है, सरकमस्टांस बड़ी अच्छी चल रही हैं, उस केस के अंदर जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स शूट अप करते हैं, प्रॉफिट्स इंक्रीज करते हैं, तो उस केस के अंदर सारा का सारा बेनिफिट्स ओनर्स को ही मिलता है ड्यू टू दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट की बात करें, नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। अगर हम किसी से भी, अगर कोई बिजनेस किसी से भी कोई पैसा लोन पे ले, लोन की फॉर्म में लेता है, तो डेफिनेटली उसको लोन ऐसे तो मिल नहीं जाता, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेस करनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी या हाइपोथिकेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहें कि ओनर्स फंड के लिए बिजनेस को कोई भी किसी भी तरह की सिक्योरिटी प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, और वो क्या कर सकता है, ओनर्स और बिजनेस को एक पैसा मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, सोर्स ऑफ ओनर्स फंड। अगर हम सोर्स ऑफ ओनर्स फंड्स से यहाँ पे एक पॉइंट इंडिकेट किया जाता है कि ओनर्स फंड के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो ओनर फंड्स के अंदर बेसिकली दो चीज़ें शामिल की जाती हैं, वो है एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम कई मैनी प्लेसेस के ऊपर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल दिया करते हैं। तो जो ओनर्स फंड है उसमें जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो है शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। होपफुली द फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, ओनर फंड आप सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बोरोड फंड। अब बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। आई रिपीट, बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोइंग्स ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड ऑल फंड्स अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन्स और क्रेडिट। मैं इसको थोड़ा सा और आसान लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि जितना भी एक फर्म के ऊपर लोन के रूप में जो पैसा आया है, जो भी पैसा बिजनेस के पास लोन के रूप में आया है, लोन की फॉर्म के अंदर आया है, उसको हम लोग बोरोड फंड बोल दिया करते हैं, उसको हम बोरोड फंड बोल देते हैं। इसकी एक स्पेशल फीचर ये रहती है कि बोरोड फंड के ऊपर, इसको हम अदर वर्ड्स में कहें तो लोन बोल सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में जो आज की लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं, लोन बोलते हैं, कि लोन के ऊपर एक बिजनेस को डेफिनेटली इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं या चाहे बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, उसको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस लोन के ऊपर देना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इसके अंदर ये आता है, लोन की खास बात क्या होती है कि इस तरह के लोन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही लिया जाता है, और उस टाइम पीरियड के बाद उस लोन को रिटर्न करना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने लोन 5 साल के लिया, 5 ईयर्स के लिए लिया, तो 5 ईयर्स के बाद वो लोन रिटर्न करना ही करना पड़ेगा, चाहे बिजनेस के पास पैसा है या नहीं है, या उसको कहीं दूसरी जगह से पैसा अरेंज करना पड़े, लेकिन उसको पहले वाला लोन वापस करना ही करना पड़ेगा। Hopefully the concept of borrowed fund is clear. Let us talk about the features of borrowed fund. The first feature is fixed time. I have already explained about the fixed time ki borrowed fund jo hai, बिजनेस जो है बोरोड फंड या लोन को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लेता है, और उस टाइम पीरियड के बाद उसको वो लोन वापस करना ही करना पड़ता है। यहाँ पे एक खास बात हम कह सकते हैं कि जो बोरोड फंड है, ये लोन है, वो शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, तीनों ही तरह के लिए लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि जो लोन है वो 1 साल से कम टाइम के लिए भी हो सकता है, 1 साल से 5 साल तक के लिए भी हो सकता है, 1 साल से 20 साल तक के टाइम के लिए भी हो सकता है, वो डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट की बात है सिक्योरिटी। नेचुरल पॉइंट है, बट नेचुरल पॉइंट है कि लोन अगर हम ले रहे हैं, लोन बिजनेस ले रहा है, तो उसके अगेंस्ट उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी प्लेस करनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी गिरवी रखनी ही रखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि जो भी लोन लिया जाएगा, उस लोन के ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बिजनेस को पे करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहे हैं, चाहे उस बिजनेस को लोन लॉस हो रहे हैं, बट किसी भी कोई भी तरह की सर्कमस्टांस है, उसको उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा, इट इज़ लीगली मैंडेटरी। फोर्थ पॉइंट की बात करें कंट्रोल। ये पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट है बिजनेस के लिए कि लोन, जिसने लोन दिया है कंपनी को, वो केवल कंपनी से या बिजनेस से केवल इंटरेस्ट के लिए राइट रखता है, उसको इंटरेस्ट लेने का पूरा राइट है, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का उसको कोई राइट नहीं है। बिजनेस की एक्टिविटी ओनली एंड ओनली बाय द ओनर कंट्रोल की जाएंगी,
बिजनेस की एक्टिविटीज़ के ऊपर केवल और केवल जो कंट्रोलर होगा वो बिजनेस का ओनर होगा, जिसने लोन दिया होगा वो बिजनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन बिजनेस में जिसने लोन दिया है, जो लोन प्रोवाइडर है, वो केवल बिजनेस से अपने इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट के लिए बोल सकता है, टाइमली पेमेंट के लिए कह सकता है, उसके लिए वो उसकी कंडीशन लगा सकता है, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल उसका कोई नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सोर्स ऑफ बोरोड फंड। सोर्स ऑफ बोरोड फंड से यहाँ पे इसका मतलब ये है कि बोरोड फंड के अंदर हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, किन किन चीज़ों को मिलाकर बोरोड फंड काउंट किया जाता है। तो इसके अंदर जो बेसिकली काउंट किया जाता है वो है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार कि सोर्स ऑफ बोरोड फंड के अंदर हम जो लोग हम लोग या जो चीज़ें ऐड की जाती हैं, काउंट की जाती हैं, वो है डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक डिपॉजिट्स, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स, ट्रेड क्रेडिट एक्सेट्रा। होपफुली आपको जो ये ओनर्स फंड्स हैं और बोरोड हैं आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आज के लिए थैंक्स अ लॉट, एट लास्ट आई थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।